हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल सलीम के ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से थर्मल स्ट्रेसेस के या टेम्परेचर स्ट्रेसेस के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। ये दो से तीन टाइप के एग्जांपल मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जो आने वाले इनसेम एग्ज़ाम में आपको 7 से 8 मार्क कंपलसरी दिया जाएगा। मतलब ये एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर वन बी में मैक्सिमम पूछा जाता है इनसेम एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स ये क्लियर होने वाले हैं और आपको 8 मार्क्स या 7 मार्क्स फिक्स मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सबसे पहले टेम्परेचर स्ट्रेस होता क्या है। तो यहाँ पे एक कुछ शॉर्टकट में मैं बताता हूँ आपको कि नेचुरल और फ्री डिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी अगर हीट में आती है तो वो एक्सपांड होती है, अगर कूलिंग किया तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब बढ़ती है और छोटी होती है। तो उसको कहेंगे हम एक्सपांशन और उसको कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपांशन कब होगा, तो एक्सपांशन होगा राइज इन टेम्परेचर पे, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, फॉल इन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स याद रखना, राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो एग्जाम में अगर ये वर्ड आता है तो फॉल इन टेम्परेचर मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है और राइज इन टेम्परेचर मतलब बढ़ने वाला है, एक्सपांड होने वाला है। तो जो नेचुरल डिफॉर्मेशन चेंज होता है उस बॉडी में, तो उसको हम नेचुरल और फ्री डिफॉर्मेशन कहते हैं। और उस वक्त अगर कोई बॉडी, मतलब अगर उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उस वक्त जो भी स्ट्रेस डेवलप होने वाला है, मतलब जहाँ पे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, नो टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डेवलप्ड इन देयर देयर इज़ अ फ्री और नेचुरल डिफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे अगर नेचुरल और फ्री डिफॉर्मेशन रहेगा तो वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और स्ट्रेन भी नहीं रहेगा। अगर उसको रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स, अगर कोई एक कोई रॉड ले लिया अपन ने, एक एंड अपना यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स ले लिया, और सेकंड एंड जो है वहाँ पे फ्री ले लिया, तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर उसको हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इस ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है तो उसका चेंज क्या होगा, डेल्टा एल चेंज होगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन कितना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री एक्सपांशन, और उसी को कहेंगे फ्री डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फ्री डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना, यल अल्फ़ा टी। अल्फ़ा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, टी राइज इन टेम्परेचर होगा या फॉल इन टेम्परेचर होगा, यल ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी, मतलब जो भी चेंज होने वाला है वो लेंथ में होने वाला है, ओरिजिनल लेंथ में, ठीक है। तो ये याद रखें, अगर दोनों एंड फिक्स कर दिए, सेकंड केस क्या होगा, दोनों एंड फिक्स कर दिए, मतलब नेचुरल डिफॉर्मेशन को क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा और स्ट्रेन भी डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो स्ट्रेन क्या डेवलप होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है टेम्परेचर स्ट्रेन। टेम्परेचर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला स्ट्रेन का क्या होता है, ई इज़ इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्री एक्सपांशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। फ्री एक्सपांशन हमने डेल्टा एल कंसिडर किया, ओरिजिनल लेंथ हमने कैपिटल एल। अब फ्री एक्सपांशन क्या है, एल अल्फा टी, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल एल। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा टेम्परेचर स्ट्रेन का, वो क्या होगा, ई टू द बेस टी अल्फ़ा टी, इतना ही आएगा। मतलब अल्फ़ा को टी से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर स्ट्रेन मिलेगा उस पर्टिकुलर मेंबर का। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो अगर आपको एग्जांपल में मैग्नीट्यूड एंड नेचर पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जाती है, और नेचर क्या होता है, कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे इफ़ फ्री एक्सपांशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, याद रखिए राइज इन टेम्परेचर होता है तो एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होगा तो अगर उसको रेजिस्टेंस किया तो मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ में यहाँ पे ये एक्सपांशन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिक्स होने की वजह से इसको क्या कर रहा है, उसको अंदर ढकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेसिव, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रेसेस कौन से डेवलप होंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा। मतलब अगर एग्जांपल में आया, एक्सपांशन वर्ड आ गया, तो याद रखना कि कॉम्प्रेसिव लिखना है। नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, कॉम्प्रेसिव, या नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, कॉम्प्रेसिव, अंडरस्टूड। और
सेकंड केस क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब कूलिंग टेम्परेचर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब क्या होगा, वो अंदर खींचने को देखेगा लेकिन उसको क्या होगा, जो फिक्स एंड है उसको बाहर खींचने को, मतलब वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। याद रखना ये दो वर्ड्स नेचर पूछा जाता है, ये दो वर्ड्स आप। हाँ तो टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो अब टेम्परेचर स्ट्रेन क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेन मत या टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होगा, फिर टेम्परेचर स्ट्रेस होगा E into E to the base T, मतलब ये टेम्परेचर स्ट्रेन into मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी क्या होगा, ये टेम्परेचर स्ट्रेस होगा। तो इसको हमने कन्वर्ट किया टेम्परेचर स्ट्रेस में, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला रेडी हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस इज इक्वल टू E alpha T। तो इसको याद रखें, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही होगा, अगर टेम्परेचर स्ट्रेस में भी ऐसे ही होगा, स्ट्रेन में जैसे हुआ तो वैसे ही होगा, फ्री एक्सपांशन होगा तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर फ्री कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। याद रखें इन सारी चीज़ों को, ठीक है, कॉम्प्रेसिव और ये यहाँ पे टेंसाइल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फोर्स एग्जर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट, मतलब फोर्स जो है मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तरफ फिक्स हो गया, तो यहाँ पे हीट अगर होता है तो क्या होगा, वो एक्सपांड होने को देखेगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस में दोनों तरफ से क्या होगा, एक पी लगेगा, तो उसको हम कहेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पी को अगर हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, पी अपॉन ए, पी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ई। अब यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए हमने क्या किया, वही फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, पी इज इक्वल टू ई अल्फा टी ए, मतलब यहाँ पे अल्फा और टी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, वहाँ पे फोर्स एग्जर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट, ये तीन फॉर्मूले। तो यहाँ पे याद रखो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो चाहिए तो, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री एक्सपांशन का फॉर्मूला है, टेम्परेचर स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में अब एग्जाम्पल चांसेस, ज़्यादा चांसेस जिसके होते हैं एग्जाम्पल, इनसे मायने के वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से एग्जाम्पल, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, अ स्क्वेयर रॉड 10 mm by 10 mm स्क्वेयर रॉड दिया है जिसकी दोनों बाजुएँ समान होती है, एंड 1000 mm लॉन्ग यानी क्या, लेंथ इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड क्या है, फिक्स है। ठीक है, डिटरमाइन एंड रिएक्शंस, यहाँ पे पूछा क्या गया है, एंड रिएक्शन मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जो एंड रिएक्शंस आने वाले हैं वो पूछा गया है। ठीक है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, अब राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो मतलब एक्सपांशन हो रहा है, तो वहाँ पे फोर्स कौन सा आएगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स आएगा। ठीक है, ऑफ टेम्परेचर 50 degree centigrade, मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू दी है हमको 50 degree centigrade, ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ MPa, अब यहाँ पे MPa दिया है तो एज इट इज़ उसको वही रखना है, MPa का मतलब होता है 1 N/mm². ठीक है, 1 MPa क्या होता है, 1 N/mm² होता है, तो एज इट इज़ उसको रख दो। अब अल्फा की कीमत यहाँ पे दी है 12 × 10⁻⁶, ये एग्जांपल हो गया, इसको अच्छे से रीड करो, और यहाँ पे गिवन डाटा मैंने जैसे दिया है एज इट इज़ वैसे ही लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, ए एरिया, एल लेंथ, टी राइज इन टेम्परेचर, ई अल्फा एज इट इज़। उसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंड रिएक्शंस मतलब पी फाइंड आउट करना है, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो पी फाइंड आउट करना है तो हमें टेम्परेचर स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, तो फॉर्मूला एज इट इज़ लिखो, ई अल्फा टी सारी वैल्यूज़ दिए होते हैं, बस वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस आपको अच्छे से कैलकुलेटर पुटअप करके आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ गया 120 N/mm². अब ये इजी है, बस इस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो आपको फोर्स एग्जर्टेड आएगा। ठीक है, तो मतलब एंड रिएक्शन में दोनों तरफ से ये पी यहाँ पे इतना आएगा, सारे वैल्यूज पुटअप करो अच्छे से तो आपको यहाँ पे 12 kN का लोड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ स्टील रॉड 4.5 meter लॉन्ग, कितने लॉन्ग का है, मतलब एल दिया है, इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 28 degree centigrade, अब ये सेकंड टाइप का एग्जांपल है, फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, मतलब फिर से राइज इन टेम्परेचर है टू 78 degree centigrade, मतलब याद रखो इनिशियल टेम्परेचर था 20, ठीक है, और वहाँ पे सेकंड टेम्परेचर मतलब बढ़ाया, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर था और 78, मतलब यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर, अब यहाँ पे लास्ट में डायरेक्टली दिया था, अब इस एग्जांपल में क्या करना है आपको कि पहले वाला दिया है दूसरे वाला दिया है, तो वहाँ पे क्या करना है 78 में से हमें 28 को माइनस करना है, तो ये 50 degree, मतलब कितने से बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू
टी, मतलब एग्जांपल में जो फॉर्मूला दिया गया है वो टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर है, और जितना बड़ा है उतना ही देना है, ठीक है। 78 नहीं लिखना है, 78 माइनस 28 करना है, वापस 50 डिग्री का, समझ में आया। इफ़ दिस फ्री एक्सपांशन इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेड, मतलब एक्सपांशन को होने ही दिया है, मतलब दोनों तरफ से फिक्स है, याद रखें यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड दिया नहीं लेकिन फ्री एक्सपांशन प्रिवेंटेड दिया है, मतलब फिक्स दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये वाला एग्जांपल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस भी पूछा गया है, टेम्परेचर स्ट्रेन भी पूछा गया है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू, और नेचर क्या होता है, एक तो कॉम्प्रेसिव होगा और टेंसाइल होगा। अब आप बताइए मुझे, अगर एक्सपांशन होता है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है उसको रेजिस्ट हो रहा है, तो स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता तो क्या हुआ होता, टेंसाइल। ये दोनों चीज़ों को मतलब पढ़ाई जैसे करते हो वैसे समझ में आएगा आपको कि वो क्या है, टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है। और इसके बाद में फिर से वही मैं आपको बोलता हूँ कि गिवन डाटा लिखना ना भूलिए, उसको मार्क्स होते हैं, इस अच्छे से इसको गिवन डाटा लिख लीजिए। लेंथ क्या है, T1 क्या है, अभी यहाँ पे मैंने बोल दिया इनिशियल टेम्परेचर 28, T2 फाइनल टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू फॉर्मूला में टी आएगा तो राइज इन टेम्परेचर आएगा। अल्फ़ा एज इट इज़ लिखो, ई एज इट इज़ लिखो, समझ में आया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक चीज़, अगर एग्जांपल में पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो याद रखना कि वो वैल्यू अल्फ़ा की है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल का सॉल्यूशन देना है, तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा, फॉर्मूला वही ई अल्फ़ा टी, एज इट इज़ क्या करो, वहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू अगर एमपीए में दी है तो एज इट इज़ लिखो, ठीक है। 12 × 10⁻⁶, 50, ठीक है। अब यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर है तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा जिसे मैंने बताया, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे मैंने निकाला है, ये टेम्परेचर स्ट्रेस का हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेन अल्फा टी का फॉर्मूला है, एज इट इज़ वहाँ पे लिखो, ड्यू टू एक्सपेंशन वही स्ट्रेन भी क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव ही आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ स्टील रॉड 20 mm डायमीटर, अब देखो स्क्वेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग दिया था, ठीक है, उसके बाद में अभी ये 20 mm का डायमीटर, मतलब क्या दिया है, सर्कुलर का दिया है, तो एरिया हम क्या करेंगे, π/4 × d² एंड 2 मीटर लेंथ कैपिटल एल दिया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, अगेन रेज्ड किया है 275 डिग्री, मतलब 75 में से 25 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 फिर से आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, राइजिंग टेम्परेचर होगा। फाइंड द, फिर यही मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस एक्सपांशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 200 GPa, तो याद रखो GPa जब आता है तो उस वैल्यू को, मतलब 200 को डायरेक्टली आप लिखो × 10³ न्यूटन पर mm², ठीक है, 200 × 10³ newton per mm². अगर MPa आता है तो एज इट इज़ लेना है, GPa आया तो उसको 10³ से मल्टीप्लाई करो और न्यूटन पर mm². अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा का फॉर्मूला, अब यहाँ पे सिर्फ गिवन डाटा एज इट इज़ लिख लेना, मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं उस तरह से लिखो, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन यहाँ पे, अब पूछा क्या गया है, फोर्स रिक्वायर्ड, नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स पूछा गया है, लास्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा, अब फोर्स, मतलब सारे तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको मैक्सिमम मार्क्स इनसे में मिल जाए। देखो 12 ही मार्क्स चाहिए, तो ये अगर हो गया तो 8 मार्क तो यही मिलेंगे, बाकी एग्जांपल में आप निकाल ले लेना। अब वी नो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेस है, ई अल्फा टी, यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है। इफ़ पी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एक्सपांशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या आएगा, π/4 × 20² लिखो, लिखो लिखो, हो गया 7 मार्क मिल गए, खत्म। ड्यू टू एक्सपांशन, नेचर क्या आएगा, अब एक्सपांशन है कॉम्प्रेसिव, याद रखना एक्सपांशन कॉम्प्रेसिव, कॉन्ट्रैक्शन टेंसाइल। हाँ, अब थोड़ा ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा और थोड़ा सा जैसे जैसे आगे चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, टफ हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल, अ स्टील बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, एंड देन क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, अब क्लैम्प्ड आया, फिक्स्ड आया, प्रिवेंटेड आया, देखो सिमिलर वर्ड से क्लैम्प्ड, फिक्स, इट इज़ देन अलाउड टू कूल, अब कूल किया, मतलब कूल मतलब फॉल इन टेम्परेचर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 80 डिग्री था, 30 आ गया, मतलब कूल इन टेम्परेचर हो गया। ड्यूरिंग कूलिंग ओनली 1 mm कॉन्ट्रैक्शन वॉज अलाउड, अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आया, जो मतलब कूलिंग करते वक्त क्या हुआ, 1 mm कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो
कैलकुलेट द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड एंड रिएक्शन एट द क्लैम्स, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस भी पूछा गया है और पी पूछा गया है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, 1 mm का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन अलाउ किया गया था, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम निकाल दिया तो यहाँ पे इस तरह का है, तो ये गैप थोड़ा सा कितना दिया था, यहाँ पे गैप दिया है 1 mm का, मतलब 1 mm का गैप है उसमें, ठीक है। तो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे दी गई सारी चीज़ें अच्छे से लिखो, डायमीटर लिखो, इनिशियल टेम्परेचर 80, फाइनल 30। अब कूलिंग किया तो फिर से क्या होगा, 80 - 30 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल इन टेम्परेचर आएगा। गैप दिया है डेल्टा कंसिडर किया 1 mm, यल लेंथ दिया था 10 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट करना, याद रखे मीटर में आया mm में कन्वर्ट करो, कभी कभी सेंटीमीटर में आता है mm में कन्वर्ट करो, ठीक है। अल्फा ई जो दिया है एज इट इज़ लिखो, यहाँ पे हमें टेम्परेचर स्ट्रेस और रिएक्शंस। अब सिर्फ फॉर्मूले में क्या फ़र्क होता है याद रखे, जब आप टेम्परेचर स्ट्रेस निकालते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला ऑलरेडी था, कौन सा था, ई टी इज इक्वल टू अल्फा टी था, ठीक है। अगर 1 mm कुछ गैप दिया रहता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है एल अल्फा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल, क्या लिखना है एल अल्फा टी माइनस डेल्टा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था एल अल्फा टी अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या होना है एल अल्फा टी माइनस डेल्टा माइनस गैप, ठीक है, बस जो वैल्यू दी है। अब गैप कितना दिया है 1 mm का दिया है, सिर्फ उतना ही लिखना है आपको टेम्परेचर स्ट्रेस, हो गया, ये हो गया टेम्परेचर स्ट्रेन। अब यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही है जो आपने लिखा है, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, उसको MPa में लिख लिया, रिएक्शन एट बोथ एंड्स, बस एरिया हमको 30 mm दिया है डायमीटर, एरिया निकालो और फोर्स एग्जर्टेड बाय रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन आ गया। अब यहाँ पे नेचर ऑफ स्ट्रेस विल बी टेंसाइल आएगा, क्योंकि क्या हुआ फॉल इन टेम्परेचर हुआ इसलिए टेंसाइल, ओके। तो यहाँ पे आप समरी लिख सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस 100 एंड रिएक्शन 70, इस तरह से कुछ याद रखे। अगर न्यूटन में आया तो उसको 10^3 से डिवाइड करो, किलो न्यूटन में हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आने के चांसेस है, लास्ट टाइम बाकी जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो आए थे, इस साल में ये एग्जाम्पल आने के चांसेस है, तो इस एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कंपाउंड मेंबर, कंपाउंड मेंबर यानी दो मेंबर अलग अलग होते हैं ब्रास या एल्यूमिनियम के, उनको कनेक्ट किया है और उनको क्या किया फिक्स किया है, इस सपोर्टेड एज शोन इन फिगर, फिगर दी होती है। इनिशियली द सिस्टम इज स्ट्रेस फ्री, इनिशियली स्ट्रेस फ्री थी, स्ट्रेस फ्री थी, कुछ स्ट्रेस नहीं था। इफ द टेम्परेचर इज देन ड्रॉप्ड, अब यहाँ पे ड्रॉप मतलब फॉल मतलब कूल, ठीक है। स्ट्रेस इन ईच बार इफ द सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, अब जब यहाँ पे वर्ड आता है अनयील्डिंग का तो मतलब समझ लेने का कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, दोनों फिक्स है, मतलब दो स्टेप यहाँ पे दिए। और सेकंड क्या इसका है, स्ट्रेस इन ईच बार इफ द राइट हैंड सपोर्ट यील्ड्स 0.1 mm, मतलब गैप दिया है 0.1 mm का। अब दो फॉर्मूले सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। पूछा क्या क्या है, स्ट्रेस इन ईच बार इफ द सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, मतलब क्या है अनयील्डिंग का मतलब होता है फिक्स्ड, और दूसरा क्या है अन सपोर्ट्स यील्ड्स, यील्ड्स मतलब गैप 0.1 mm का। तो दिया है यहाँ पे ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कोएफिशिएंट ऑफ, अलग अलग दिया रहता है। 90 GPa दिया है, जैसे मैंने कहा था GPa आया तो बस इंटू 10^3 से मल्टीप्लाई करो, बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू दी होती है एज इट इज़, आप डायग्राम निकालो, डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 500 mm square, जब भी mm square आता है तो समझ लेना कि एरिया दिया है, ठीक है। तो ये दोनों बार का एरिया दिया है, दोनों की लेंथ यहाँ पे दी गई है, उसको कंसिडर करो, ठीक है। कैसे कंसिडर करना है यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें लिख लो क्या क्या दिया है, अच्छे से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं करना एग्जाम्पल के टाइम पे। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेस इन ईच बार इफ द सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, कंडीशन वन, अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है कोई नहीं। तो ये एक फॉर्मूला अभी क्या करो आप याद कर लो, ठीक है, कभी 2-3 दिन एग्जाम बाकी है, याद कर लो। तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है ब्रास के सारे, मतलब क्या होता है एल अल्फा टी था ना, वही है, सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट किया है मैंने, एल अल्फा बी ब्रास के लिए एल बी, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल एस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही लेंथ आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का ही लेंथ आएगा, एल बी ए बी ए ई बी, ठीक है, एल्यूमिनियम की सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एल्यूमिनियम ही दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे एल एस की जगह एल ए एल कंसिडर करना, एल्यूमिनियम कंसिडर करना है यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये
याद रखें ये फॉर्मूला, नीचे क्या होगा एल बी अपॉन ए बी इंटू ए बी, यहाँ पे एल ए एल अपॉन ए एल ए एल ए एस, ठीक है, ये एल्यूमिनियम कंसिडर करो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जितनी भी चीज़ें दी गई है उनको अच्छे से लिखो, सब चीज़ें दिए हुई है यहाँ पे लिखो, अच्छे से लिखो, अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं करना। और कैलकुलेटर में सारी चीज़ें एकदम से मत डालो, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, रॉन्ग आंसर आने के चांसेस होते हैं। अलग अलग निकाल दो, एक बार अलग अलग निकाल दिया, ये आने वाली वैल्यू न्यूटन में आती है, उसको कन्वर्ट करो किलो न्यूटन में, जस्ट 10^3 से डिवाइड करो। अब याद रखना यहाँ पे मैंने टेंसाइल क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, फॉल इन टेम्परेचर है, ठीक है, ड्रॉप हुआ है, तो टेंसाइल आने वाला है, ठीक है। अब जब पी निकल ही आता है तो याद रखना रिएक्शन जो है वो सेम ही आएगी, ठीक है, बस वहाँ पे क्या होगा एरिया चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे स्ट्रेस इन ब्रास में क्या होगा, पी मतलब ये आने वाला है अपॉन एरिया ऑफ ब्रास, ब्रास बार का जितना एरिया दिया है 500 उसको डिवाइड करो, आपको यहाँ पे स्ट्रेस इन ब्रास मिलेगा। और एल्यूमिनियम का स्ट्रेस क्या होगा, बस पी अपॉन ए इंटू एल्यूमिनियम, बस उसका एरिया, तो यहाँ पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आपको स्ट्रेस आएगा। ये हो गई पहली कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, स्ट्रेस इन ईच बार इफ़ द राइट हैंड सपोर्ट यील्ड्स बाय 0.1 mm। अब फ़र्क सिर्फ देखना, फ़र्क क्या करना है आपको, एग्जांपल में वही फार्मूला लिखना है, ये वाला फार्मूला लिखो, ये इसको अवॉइड किया तो चलेगा, ये वाला फार्मूला देखो वही फार्मूला है, बस यहाँ पे -0.1 करना है, -0.1 एल्ड कितना था, गैप कितना है उतना है, बाकी एज इट इज़ आपको फिल करना है, सॉल्व करना है अच्छे से, और यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील बार, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम ही निकालना है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं, 4 से 5 एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनमें से ही एक एग्जांपल आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में आने वाला है। और एक एग्जांपल रहता है वो, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पे कार्ड्स भी दे दूँगा, तो उसको भी फॉलो करें और प्रैक्टिस करके ये 8 mark अभी फिक्स कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में, खासकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर जिनको वक्त कम मिला है, उनको ये एग्ज़ाम्पल में या आने वाले एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।